भारत सरकार के द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के संशोधन से नाराज रोडवेज बस चालकों ने अनिश्चितकाल के लिए किया चक्का जाम। यात्रियों को हो रही है भारी परेशानी। जनपद के बस स्टेशन पर आज सुबह से ही सरकारी व अनुबंधित बस चालकों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। जनपद के बस स्टेशन से दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लगभग सरकारी व अनुबंधित लगभग 150 बसों का संचालन होता है और हजारों की संख्या में यात्री यात्रा करते हैं। चक्का जाम होने से यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। वहीं बस चालकों का कहना है कि नए बनाए गए कानून के तहत एक्सीडेंट होने पर 10 साल की जेल व 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान तुरंत समाप्त होना चाहिए। जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। वहीं एआरएम ने कहा कि हड़ताल पूरी तरीके से गैर कानूनी है और हड़ताल करने वाले बस चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, आज बस चालकों ने चक्का जाम कर दिया है जिससे यात्रियों को बड़ी दिक्कत हो रही है, क्या है मामला? किसी भी बस चालक के द्वारा अथवा रोडवेज की किसी भी यूनियन के द्वारा परिवहन निगम को, लखनऊ को अथवा रायबरेली डिपो के किसी अधिकारी को कोई सूचना नहीं दी गई है और अनुबंधित बस के जो चालक हैं उनके वाहन स्वामी के द्वारा भी कोई सूचना नहीं दी गई है। यह इनके द्वारा जो चक्का जाम किया गया है पूरी तरह अवैधानिक है, नियमों के विरुद्ध है और इनको बिना बताए, बिना नोटिस दिए किसी भी प्रकार का इस प्रकार से देश के विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी होगी? बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के संपर्क में बना हुआ हूँ, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी की जाएगी। क्या नाम है आपका? सर देवेंद्र प्रताप सिंह। किस पद पर आप तैनात हैं? सर मैं इस चालक पद पर तैनात हूँ। आज किस वजह से आप लोगों ने चक्का जाम किया है? जो नया कानून सरकार द्वारा बनाया गया है जिसमें कि चालक से अगर किसी प्रकार की जाने अनजाने में दुर्घटना हो जाती है तो उस पर 10 साल की कठोर कारावास तथा 7 लाख को जुर्माना निर्धारित किया गया शासन की ओर से। इसके विरोध में हम सभी चालक बंधु एक साथ होकर के और इस कानून का विरोध कर रहे हैं चक्का जाम के रूप में। और इसमें हमारे निगम के जितने भी कर्मचारी हो, चाहे जिस पद पर हैं और चाहे जो भी अधिकारी, सब हमारे साथ हैं। कितनी बसों का संचालन होता है रायबरेली बस स्टेशन? रायबरेली से कम 150 गाड़ी है, 160 गाड़ी के लगभग है। तो आज सभी गाड़ियां? हाँ सभी गाड़ी, हाँ पूर्ण रूप से। तो कोई अधिकारी आप लोगों के पास आया नहीं? आप नहीं, अभी तक कोई नहीं है। कब तक ये हड़ताल जारी रहेगा? अनिश्चितकाल, जब तक हम लोगों को ये कानून को इसमें कोई संशोधन करके इसको वापस नहीं लिया जाता तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा। पहले था वैसे होना? हाँ जैसे पहले था वैसे होना चाहिए।
जयगुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर ओटी इमरजेंसी आईसीयू पीआईसीयू एनआईसीयू सभी प्रकार की सिटी स्कैन एक्सरे अल्ट्रासाउंड अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब प्राइवेट एवं जनरल वार्ड डीलक्स रूम महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा आंखों का ऑपरेशन दांतों का उपचार सभी प्रकार के ऑपरेशन उचित दर पर दवाइयां 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।